नमस्ते दोस्तों, मनीष सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ओके, आज हम यहाँ पर क्लास टेंथ के अंदर चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। कौन सा पार्ट हमारा कौन सा है? 5। आज मैंने अभी तक जब से ये पैटर्न बदला है एनसीईआरटी बुक का, जिस साल 2019, 2020, 2023, 22, 20 अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए बोर्ड में, वो सारे आपके लिए कवर करवाएं। अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखना है नहीं पता, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने एक पूरा 2023 का पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करके बताए हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जो प्लेलिस्ट में है। उसके अंदर पूरे 2023 के मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना कैसे, नहीं बहुत सारे बच्चे क्या है ऑब्जेक्टिव आते तो हैं करना, लेकिन लिखना कैसे ये पता ही नहीं रहता तो गलत हो जाते हैं। तो चलिए अपन करते हैं यहाँ से वीडियो शुरू। ओके, सबसे पहले 2023 के ही कर लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन 2023 में आए थे। AP में 5, 10, 15 का 10वां पद। अब ये देखिए सिंपल, 5 का पहाड़ा ये एक बार में आता है, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ऐसे पूछा है 10वें नंबर पे कौन आता है, क्या आपको पता है? 5 धाम 50। 5 का पहाड़ा पूछ लिया बस एग्जाम में, बताइए 10वीं में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, कौन सा पद? 10वां पद। तो पहले चेक कर लेना, आप टेबल शुरू हो रहे हैं तो आप आराम से कर दीजिएगा। ओके डन, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए, मैं एक एक करके मिटाता जाऊंगा, आप वीडियो को पुश करके राइट कर लीजिए। किसी एपी में प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देख लीजिए। ये होता है SN=n/(2a+n-1d). SN=n/(2a+n-1d). क्लियर, ये हो गया आपका, राइट कर लीजिए। SN=n/(2a+n-1d) बीस बार लिख के याद करो अच्छे से, लेकिन एग्ज़ाम में करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। सामांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखना है, क्या लिखना है? सामांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए a, a+-d, a+-2d, a+-3d ... ये है व्यापक रूप, सामांतर श्रेणी का व्यापक रूप a, a+-d, a+-2d, a+-3d ... ओके। ये क्वेश्चन देखिए आप, रिपीट हो गया है, क्या हो गया है? रिपीट। 2022 में भी आया है और ये क्वेश्चन 2020 में भी आया था, तब ऑप्शन में था, तब फिर सत्य असत्य में था। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ 10,7,4 का 10वां पद कैसे ज्ञात करना है। जैसे 10वां पद पूछा है तो A10 निकालना है, A10=A+10 पूछा है तो 1 कम करो 9 और D। अब आप कहोगे सर ये A और D क्या होता है, जो प्रथम पद दिया रहता है ये A है, तो A का मान पहले से ही दिया है 10, D हमें निकालना है, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करना है, पीछे वाले में से आगे वाला क्या करना है, माइनस। तो 7 में से 10 को घटाना है, 7 में से 10 को, तो बताइए आप 10 में से 7 घटाओ चाहे 7 में से 10 घटाओ, आएगा कितना? 3, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के, तो डी का मान किस में लिखना है? माइनस में। क्लियर, कोई सा भी घटाओ। अब 4 में से 7 घटाओ तो 7 में से 4 का कितने बचे? 3, बड़ी संख्या का साइन आएगा, 9 3 27, माइनस के 27 में से 10 गए, बड़ी संख्या का साइन आएगा 17, देखिए क्या 17 है, तो ये सत्य है। तो AP में 7,4 का 10वां पद क्या है? -K17। ओके, ये आंसर है, आया अच्छे से समझ में, आप इसे उतारिए, बार बार करिए। 10वां पूछा है तो हमेशा 1 कम 9D लिखना है। ओके चलिए, एक सामांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सर्वांतर D हो तो n वां पद, वेरी मोस्ट रिपीट हो सकता है, क्या हो सकता है? रिपीट। और मैंने आपको बोला है प्लेलिस्ट में 2014 का पूरा पेपर सेव है, आप उसे जाइए और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ज़रूर देखिए। तो n वां पद AN=A+N-1D ये होता है। एक सामांतर श्रेणी का A तथा सर्वांतर D हो तो उसका n वां पद क्या होगा? A+N-1D। क्लियर, वेरी मोस्ट, बार बार बोल रहा हूँ, इसे तो आप याद करो बार बार लिख के। क्लियर,
नेक्स्ट देखो, ये पहला वाला करवाई दिए, अब ये देखिए आप, ये हो गया। अब ये वाला ग्यारहवां पद निकालना है, जब भी ग्यारहवां पद निकालना है, ए ग्यारह बराबर मैंने क्या बताया था, एक कम, ये यहाँ लिखते हैं अपन ग्यारह, ग्यारह में से एक घटाना है तो कितना आएगा दसवा, यानी ए प्लस दस डी निकालना है। क्या निकालना है? ए प्लस दस डी। ए का मान क्या है इसमें बताइए आप, माइनस के तीन लिख दो आप, माइनस के तीन। ग्यारहवां पद निकालना है, डी का मान निकालना है तो डी का निकालिए, दो माइनस माइनस के एक बटे दो, ओके, माइनस और माइनस प्लस, तो दो प्लस एक बटे दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, दो दुनी चार, एक एकम एक, और नीचे दो एकम दो, यानी कि चार और एक पाँच बटे दो, क्या आ गया, पाँच बटे दो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पाँच बटे दो गुणे दस, दो के फाड़े से पाँच को काटा, पचम पच्चीस, पच्चीस में से तीन को घटाना है, क्या करना है, पच्चीस में से तीन को घटाना है, पच्चीस में से तीन गए बाईस, तो इसका आंसर क्या है, इसका ग्यारहवां पद क्या है, बाईस। कैसे समझ में आया नहीं आया, एक बार और जल्दी से देखो आप फटाक से, देखिए ए प्लस क्या करना है, ग्यारह है तो दस करना है, दस डी निकालना है, ए का मान कितना है माइनस तीन, डी का मान हमें क्या करना है, कोई सा ही पीछे में से आगे घटाओ, तो दो में से इसको घटाया दो, ये माइनस है, घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, एक बटे दो, दो माइनस आएंगे, एक पहले से है और एक ये वाला, दो दुनी चार, चार और एक पाँच, तो यहाँ कितना आया पाँच बटे दो, और यहाँ ऑलरेडी दस लिखा ही है, दो पंचे दस, पचम पच्चीस, पच्चीस में से कितने घटाना है माइनस तीन, कितना आएगा बताओ आप, बाईस। ये हो गया, ये वाला करवाई दिया मैंने फॉर्मूला आपको, ये देखो समांतर श्रेणी में तीन बटे दो, एक बटे दो माइनस एक बटे दो में सर्वांतर क्या है, तो देखो कैसे निकालना है सर्वांतर डी, कैसे निकालना है, तीन बटे दो, और आगे वाला जो एक बटे दो है इसमें से तीन बटे दो को घटा देना है, दो कॉमन है, एक बार लिखेंगे, तीन में से एक जाएगा कितना बचा दो, वो भी काय का बड़ी संख्या काय की है माइनस की, दो एकम दो, इसका सर्वांतर है माइनस एक, कोई सा भी घटा लो आप, यहाँ से घटा लो, माइनस के तीन बटे दो प्लस एक बटे दो, ये माइनस है और एक माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस तीन में से एक गए माइनस दो बटे दो, दो से दो काटा माइनस एक, क्या आया माइनस एक, तो यहाँ क्या आएगा माइनस एक, ओके। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आप बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से, ए और डी की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और हमारा वीडियो बस इतना ही सता। सिक्स कॉमा सेवन कॉमा ए, इसमें क्या पूछ सकते हैं आपसे, ए का मान, तो ए का मान जो फर्स्ट नंबर पर रहता है छः, प्रथम पद पूछेंगे कभी भी, कौन सा पद, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, ए बराबर छः, और डी पूछ लेंगे कभी भी सर्वांतर डी, जैसे इसमें पूछा है डी, तो डी पूछ लेंगे तो कोई सा ही पीछे में से आगे वाला घटा दो, आठ माइनस सात, और जस्ट आगे वाला घटाना, ऐसा नहीं यहाँ से आठ में से छः घटा दिया दो लगाओगे, नहीं, जस्ट आगे वाला एक, ओके। धन्यवाद, प्लेलिस्ट पर जाके और बहुत सारी वीडियोज़ हैं देखिए है।